हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेरे चैनल। ये वीडियो मैं ट्रेन में बैठ के बना के अपलोड कर रही हूँ, इसलिए डिस्टर्बन होती है, सॉरी फ्रेंड। हमें अजमेर में ये हाउस में रुके थे, माशाल्लाह ये बहुत अच्छी लगी हमने, ये हर एक सहूलत भी हमने ये रूम में अच्छी से मिली है फ्रेंड। आपको ये रूम मैं बता रही हूँ, अजमेर की है ये। ये रूम के ओनर सोनू ही, माशाल्लाह उन्होंने भी अच्छे से हमना सर्विस बहुत अच्छे करे हमना, और रूम में भी क्या भी कमी भी नहीं थी फ्रेंड। अच्छे से हमना हर रूम, ये रूम में दो रूम लिए थे, हर रूम में भी फैसिलिटी बहुत अच्छी लगी हमें। सोनू हमना अच्छे से ख्याल रखे, खाने पीने की और रहन सहन की अच्छे से हमना खिदमत करे। इंशाल्लाह आप कभी भी अजमेर आए तो इसी रूम में रुके फ्रेंड, माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है और आपको भी अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। ये रूम का नाम पठान हाउस है। फ्रेंड, पठान हाउस के ओनर आपको बात करेंगे, आप ये वीडियो उनके सुनेंगे और देखेंगे। दरगाह शरीफ पठान गेस्ट हाउस में बताना चाहूंगा आपको, माशाल्लाह काफी अच्छा लगेगा अपना वीडियो देख के। और ये भाईजान आए और ये भैया भी है, ये अंकल भी है, देखे इंटरेस्ट भी लगेगा। और बेंगलोर से आए, इनको काफी अच्छा, कैसा लगा आपको वीडियो? मस्त, एकदम बढ़िया, एक नंबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है, सब अच्छा है ना। आपको कैसा लगा? मेरा घर जैसा ही नहीं, मतलब घर जैसा फील हुआ है? नहीं फील हुआ आपको? मतलब कोई परेशानी? बहुत से लोग बोलते दूर भी है, पर मैं कहना चाहूंगा दूर भी है माशाल्लाह, पर बहुत अच्छा है। दूर रहने वाले भी पसंद करते हैं, पास रहके भी ऐसा भूल जाते हैं इंसान। मतलब ऐसा है जैसे दूर रहके भी इंसान को सुकून की दुनिया, जन्नत जैसा लगता है इंसान को। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। दिक्कत परेशानी तो नहीं है? बहुत अच्छा।